सर एडमिशंस कब ला रहे हो, सर स्कॉलरशिप टेस्ट होगा क्या, कोई फर्स्ट वाले बैचेस है उनमें बैठना है, तो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं होता। क्या होता अगर मुझे मिशनी के टीचर्स भी मिल जाते, मुझे काई के टीचर्स भी मिल जाते और मुझे होप क्लासेस के टीचर्स भी मिल जाते। अब मैं बोलूंगा ये चीज पॉसिबल है, मोर देन 60 टॉप नॉच टीचर्स विल वर्क अंडर द इमर्ज। आपको एक के पास नहीं पढ़ना, आपको दूसरा का ऑप्शन होगा। वी आर लॉन्चिंग द एडमिशंस राइट नाउ। आपको इस टाइम पे खाली रजिस्टर करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। इवन अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कुछ भी नहीं पे करना है। दिस इमर्ज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट एंड आई रेकमेंड एवरी सिंगल स्टूडेंट टू एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई। इसमें आप आ जाओ और बैठो। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन। आप यहां पे पहले अपनी ईमेल भरो, नाम भरो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके डेट्स कब है। Assalamualaikum. I believe everybody of you is doing great, nice and absolutely fine. And welcome to this beautiful channel. Now, this video is super important for all the students out there. So listen to me very, very, very carefully. आप सबको पता है, बहुत सारे students बोलते थे कि सर क्या होता अगर मुझे मिशनी के टीचर्स भी मिल जाते, मुझे काई के टीचर्स भी मिल जाते और मुझे होप क्लासेस के टीचर्स भी मिल जाते। मैं एक ही साथ मतलब सबके पास पढ़ना चाहता था एक ही क्लास में। अब मैं बोलूंगा ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज When it comes to the emerge, we say Kai, Hope Classes and Missioni. ये तीनों ने collab किया है and they form the emerge. They will work under the emerge. जो भी top notch faculty है Kai की, Missioni की and मैं बोलूंगा पूरे valley की, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जो top notch faculty है is under the emerge. Okay? More than 60 teachers will be teaching you onto this platform. Now listen to me very carefully, my dear friends. There are so many students who have जिनके दिमाग में अभी डाउट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। सर एडमिशंस कब ला रहे हो, सर स्कॉलरशिप टेस्ट होगा क्या, कोई सर आपकी लोकेशन क्या है, कहां पे परेपुरा में क्या, कहां पे कैंपस है आपका, राजबाग में आपके आपका कैंपस कहां पे है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आप लोग सब लोग इसी के साथ पूरा का पूरा देख लीजिए। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, आप सबको पता है जब भी हम बैचेस स्टार्ट करते हैं तो एंड मोमेंट पे स्टूडेंट्स आते हैं कि एडमिशंस लेना है सर, तो फिर बोलते हैं उस टाइम पे सर पहले वाले बैचेस में छोड़ दो हमें, स्टार्टिंग जो आप फ्रेश बैचेस फर्स्ट वाले बैचेस है उनमें बैठना है, तो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारी जंबलिंग होती है। एंड राइट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 6000 स्टूडेंट्स एंड दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि आप जहां भी आपको पढ़ने जाना है सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आप दो चीज देखना, आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, आप वहां की फैकल्टी देखना। ओके, and when it comes to the faculty and administration, more than 60 top notch teachers will work under the emerge. आपको एक के पास नहीं पढ़ना, आपका दूसरा मिल जाएगा वहां पे, आपको दूसरा का ऑप्शन होगा। एंड यहां पे मैं इससे बार बार बोलता हूं, स्टूडेंट्स के बीच में नहीं, यहां पे टीचर्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा कि अगर एक टीचर ने सही परफॉर्म नहीं किया उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल होगा वहां पे। सो अब स्टूडेंट्स को वो चीज नहीं देखना एक टीचर मिल गया बस इसी के साथ, नहीं, नो। सो दैट इज वी से द वैरायटी विल बी अवेलेबल ओवर हियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें पहले वाले स्टार्टिंग के बैचेस में डाल दो, फ्रेश बैचेस में फर्स्ट में आप जो स्टार्ट करोगे उनमें बैठना है। सो लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपको उन बैचेस में बैठना है तो वी आर लॉन्चिंग द एडमिशंस राइट नाउ। आपको इस टाइम पे खाली रजिस्टर करना है, कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा रजिस्ट्रेशन। फी भी अभी पे नहीं कर रहा हूं, बाद में देखेंगे, जस्ट आपको अभी रजिस्टर करके रखना है। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पे आप क्लिक करो, दैट इज अ गूगल फॉर्म। एंड लेट मी जस्ट शो यू दैट गूगल फॉर्म ओवर हियर। अगर मैं आपको दिखाऊं दैट गूगल फॉर्म, यू कैन सी इट ओवर हियर। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन। आप यहां पे पहले अपनी ईमेल भरो, नाम भरो, जेंडर सारा, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर सारी की सारी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कौन से क्लास के हो एंड आपका स्टडी सेंटर कौन सा होना चाहिए। आप परेपुरा में पढ़ना चाहते हो कि राजबाग में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो टीचर्स परेपुरा में पढ़ाएंगे वो टीचर्स राजबाग में पढ़ाएंगे। एंड नेक्स्ट ओवर हियर आपको सबमिट करना है, ठीक है, जो भी आपको, फिर वंस यू आर डन विद दिस, मतलब आपने रजिस्टर किया, कुछ भी पे नहीं करना, आपने अपनी सीट बुक करके रखी, जो कल स्टार्टिंग का बैच स्टार्ट होगा सबसे पहली प्रेफरेंस आपको होगी, ठीक है, इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट। एंड अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप इन दो नंबर्स पे फोन कर सकते हो, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर 24/7 आप इनको फोन कर सकते हो, दे विल बी अवेलेबल ओवर देयर। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट आई जस्ट वांट टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हाट इज दैट, अगर आप बेसिकली लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहते,
इफ यू वॉन्ट टू बेसिकली मतलब आप इसको भी स्कैन कर सकते हो और आप ये फॉर्म गूगल फॉर्म इससे भी भर सकते हो. स्कैन भी अवेलेबल, दिस इज द QR कोड, आप इसको स्कैन करो एंड यू कैन बेसिकली ज्वाइन इट. नाउ 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 अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का. इसके बाद सर क्या आप कोई स्कॉलरशिप टेस्ट ला रहे हो? ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से व्हेन इट कम्स टू द एडमिशंस. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वी आर कमिंग अप विद अ स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए. इवन अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कुछ भी नहीं पे करना है आपको, जस्ट आके स्कॉलरशिप देना. अगर आपको सही स्कोर आ गया, 100% स्कॉलरशिप मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन टीचर से पढ़ सकते हो, ओके, ऑफलाइन में. And most importantly, my dear friends, that scholarship test is what we call the ESAT. That is Emerge Scholarship cum Admission Test. And I recommend every single student to at least give it a try. इसमें आप आ जाओ और बैठो. ठीक है, 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th, NEET and JEE सब students के लिए ये होगा. ठीक है, scholarship will be up to 100%. Okay. And most importantly, इनके dates कब है? जो कि important है. मैं बोलूंगा 10th moving 11th, जो भी 10th का एग्जाम दे रहे हैं 11th में चढ़ने वाले हैं, उनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो होगा 14th of April 11:30 AM को. ठीक है, जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 12th पास करके नीट में चढ़ेंगे, वो होगा 14th of April 11:30 को उसी दिन. एंड व्हेन इट कम्स टू द 11th मूविंग 12th, जो भी 11th में और 12th में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका जो होगा 28th of April 11:30. और वेन्यू क्या क्या है, मैं बोलूंगा परेपुरा होप क्लासेस एंड मैं बोलूंगा यहां पे काई टावर्स, मतलब वहां पे. अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर व्हाट आर अवर कैंपसेस. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आपका कैंपस कहां है बता दो. ठीक है, परेपुरा में दिख ही नहीं रहा है कहां पे है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है हमें ढूंढने में इसको. लेट मी जस्ट टेल यू फॉर वंस एंड ऑल व्हेन इट कम्स टू द इमर्ज कैंपस. सबसे पहली बात, व्हेन इट कम्स टू द परेपुरा कैंपस, जो इससे पहले होप क्लासेस की बिल्डिंग थी, वही हमारी अब इमर्ज की इमर्ज का एक कैंपस होगा. सर इसका जो गूगल मैप्स का जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस आपको एड्रेस भी वहां पे मिलेगा. ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम होती है मतलब ढूंढने में, आप जो मैंने आपको नंबर दिखाया आप वहां पे फोन कर सकते हो. एंड सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज ये हमारा राजबाग का कैंपस है. राजबाग में ऑपोजिट टू द मॉडर्न हॉस्पिटल आपको इमर्ज का कैंपस दिखेगा, वहां पे बड़ी होर्डिंग लगा के आप लोग वहां से देख सकते हो. एंड एक और कैंपस हमारा परेपुरा में ही है, दैट इज इन द परेपुरा चौक. मैं बोलूंगा दैट इज इमर्ज क्लासेस, जो कि मिशनी का कैंपस इससे पहले हुआ करता था, वो अभी वहां पे इमर्ज क्लासेस का है. इसका भी आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस इसका एड्रेस भी वहां पे आपको मिलेगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बेसिकली रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल. लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है आप रजिस्टर करो, क्योंकि जितना जल्दी आप रजिस्टर करोगे आपको स्टार्टिंग की सीट्स मिलेगी. और रजिस्टर करने में जाता भी क्या है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है. सो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ओके, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही टाइम बाद अब आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच एंड आई वॉन्ट यू गैस टू प्लीज डू शेयर इट विथ योर ऑल द फ्रेंड्स आउट देयर, जिनको भी इमर्ज में एडमिशन लेना है. ठीक है, जो चाहते हैं कि इमर्ज में एडमिशन लें. सो थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.